अरे आप लोग यहाँ भी और बाहर खड़े हैं। एनीवेज, सो हाय गाइस, मैं हूँ पलक और आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसी जगह पे जो आपकी हंगर क्रेविंग्स को एकदम खत्म कर देगा और वो है 0 डिग्रीज। इसके बारे में ज्यादा यहाँ बात नहीं करूंगी, तो जल्दी से अंदर चलते और जानते हैं इस कैफे में क्या ऐसी यूनिक चीजें हैं। तो कैसा लगा आप लोग को यहाँ का एम्बियंस? मुझे तो बहुत ही सूदिंग, बहुत अच्छा लगा। बट एक चीज यहाँ पे मुझे काफी यूनिक लगी, जो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कोट्स लिखे हैं। और एक चीज और है, ये है ग्राउंड फ्लोर सिटिंग और एक सिटिंग ऊपर भी है। आप कहाँ बैठना पसंद करेंगे, ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर? फर्स्ट फ्लोर ही चलते हैं। क्या आप लोगों ने अपना ऑर्डर प्लेस किया? अगर नहीं किया तो यहाँ स्कैनर रखा है, स्कैन कीजिए और अपना ऑर्डर जल्दी से प्लेस कीजिए। मेरा ऑर्डर तो है कैरमल शेक, मैंगो मिंट कूलर, पास्ता इन अ जार, 0 एक्स्ट्रावेगेंजा पिज्ज़ा और साथ साथ गेम ऑफ थ्रोन्स के स्लाइडर्स। जस्ट वेटिंग फॉर माई ऑर्डर टू कम। और इतना अमेजिंग फूड लग रहा है ना यहाँ का, मैं सोच नहीं सकती। जो आसपास की टेबल है ना, उन सबका भी देख के मैंने थोड़ा थोड़ा ऑर्डर किया है। तो आप भी जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए, देर किस लिए कर रहे हैं। मेरा अमेजिंग मैंगो मिंट कूलर तो आ गया है, इसको टेस्ट करते हो। दिस इज सो अमेजिंग। इसके अंदर एक्चुअल में मैंगो का फ्लेवर है, मिंट का फ्लेवर है और साथ साथ थोड़ा टैंगी भी है और स्वीट भी है। वाओ, दिस लुक्स फ्रीकिंगली अमेजिंग। जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे मिलता है फ्यूजन फूड, बट फ्यूजन फूड के साथ साथ यहाँ के खाने की प्रेजेंटेशन भी कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। देखिए, ये है पॉपकॉर्न कैरमल शेक। इसका प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मैं सोच रही हूँ उसको खाऊँ या ना खाऊँ, बट टेस्ट तो करना पड़ेगा। ये शेक है, इसको खाऊँ या फिर पीऊँ? स्पून से तो नहीं, इसको स्ट्रॉ से ट्राई करते हैं। गाइस, दिस इज फ्रीकिंगली अमेजिंग। वाओ, पिज्जा कितना अमेजिंग लग रहा है। इस पे कितनी सारी टॉपिंग्स हैं, कितने सारे वेजिटेबल्स ऐड किए हैं और फुल ऑफ चीज। और यही नहीं, साथ साथ में अगर देखा जाए 3 तरह के स्लाइडर्स हैं जिसकी प्रॉपर फिलिंग है। जैसे हम लोग नॉर्मली कैफेज में जाते हैं, हमें जो बर्गर्स मिलते हैं उसकी फिलिंग काफ़ी कम होती है, इसकी फिलिंग कितनी अच्छी है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर पनीर की फिलिंग की गई है। पास्ता बिल्कुल भी ओवर कुक्ड नहीं है, ये एकदम प्रॉपरली कुक्ड है। इसके अंदर सॉल्ट की क्वान्टिटी, ऑरिगैनो, दिस इज जस्ट परफेक्ट। आई एम जस्ट लविंग इट ऑल। आप लोग सोच रहे होंगे मैं पास्ता लेके कहाँ चली, तो मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ यहाँ के बारे में। अगर आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस जाना है, जल्दी से आपको कहीं जाना है और आपका खाना नहीं कंप्लीट हो पाया, तो आप ये जार अपने साथ घर ले जा सकते हैं, ऑन द वे अपना फूड इन्जॉय कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ का एम्बियंस काफ़ी इन्जॉय किया, यहाँ का अमेजिंग फूड, यहाँ की इतनी अमेजिंग प्रेजेंटेशन, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप भी यहाँ ज़रूर आएँ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और यहाँ इन्जॉय करें। Then keep watching Trends 9. See you.